Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I'm going to discuss about the types of gene interaction. Okay, types of gene interaction aur unke ratio ko kaise aap smartly learn kar sakte hain uske bare mein main baat karunga is video tutorial mein. Theek hai, to chaliye dekhte hain ki types of gene interactions kaise dekhenge aur kaise types of gene interactions ke ratio ko yaad rakhenge aur phenotypic aur genotypic ratio ko bare mein baat karenge. So types mein jaisa ki already main aapko bata चुका हूं कि देयर इज अ डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता है, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, डोमिनेंट डुप्लीकेट डोमिनेंट सप्लीमेंट्री एंड डुप्लीकेट रिसेसिव एंड द डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि नाम में क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस नाम में ही है डोमिनेंट एपिस्टेसिस. इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम सीखेंगे, लेकिन पहले रेशियो को कितने ईजिली याद कर सकते हैं जरा सा उनके ऊपर जाते हैं. तो रेशियो को याद करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेंडेलियन प्रिंसिपल अगर आपको पता हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेंडेलियन प्रिंसिपल, साइंस में पढ़ते थे मेंडल लॉ. क्या पढ़ते थे मेंडल लॉ में, मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें फिनोटोपिक रेशियो होता है 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1, यही होता है. और डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो इस केस में क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है एंड फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1. दिस इज द मेंडेलियन रेशियो फॉर द नॉर्मल क्रॉस, जहाँ पे कि अगर मेंडेलियन आपने जेनेटिक्स पढ़ी हो तो उसमें यही बताया जाता है कि कोई भी जीन का इंटरेक्शन नहीं होता है. लेकिन इस फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को लेके कैसे जाते हैं, चार बॉक्स रूल की बात करते हैं. चार बॉक्स रूल, व्हाट इज़ द फोर बॉक्स रूल, कभी पढ़ा है आपने, चलिए चार बॉक्स रूल को मैं बताने की कोशिश करता हूँ. आराम से आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे जीनोटाइप को लर्न कर सकते हैं. अगर ये फोर बॉक्स रूल समझ में आ गया तो आपको रेशियो क्या, सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी इसके आगे जो हम देखेंगे. ठीक है, देखने की कोशिश करिएगा, मैं फोर बॉक्स रूल बता रहा हूँ. आपको पता है कि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी के क्रॉस कराया जा रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी से जब इनको क्रॉस कराया जाएगा तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर शो करेंगे. ये जब क्रॉस कराएंगे तो कैसे आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे, पनेट जनरली जो ट्रेडिशनल होते हैं पनेट स्क्वायर बनाते हैं या सारी चीज़ें करते हैं कि उस तरीके से सॉल्व करेंगे. मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल ट्रिक की बात करते हैं. व्हाट इज़ द ट्रिक हेयर, ट्रिक क्या है यहाँ पे, ट्रिक की बात करेंगे कि कैपिटल ए, ए जीन जो होगा ये चलेगा वर्टिकल, ये चलेगा वर्टिकल और बी जो चलेगा वो चलेगा हॉरिजॉन्टल. यही ट्रिक है, कैसे ट्रिक को अप्लाई करेंगे जस्ट मैं बता रहा हूँ. अभी देखिएगा, कैपिटल ए को वर्टिकल लिखना है, कैपिटल ए को वर्टिकल यानी ए जीन को पहले तीनों फॉर्म, जब पता है कि आपको कैपिटल ए से क्या क्या बनेगा, एक जीन से कैपिटल ए कैपिटल ए, उसके बाद कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, यही तीन बनेंगे. लेकिन ये जाएंगे कैसे, ये जाएंगे वर्टिकल, ये जाएंगे वर्टिकल और बी के साथ भी यही तीन बनेंगे, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ये भी जाएगा वर्टिकल, ये भी जाएगा, ये जाएगा हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, ये जाएगा हॉरिजॉन्टल. ठीक है, समझिएगा, आपको क्या करना है, कैपिटल ए को वर्टिकल लेके जाना है. देखिए कैपिटल ए तीन बार लिखिए कैपिटल ए वर्टिकल, ये आपने इसको लिख लिया. अब इसको लिखिए कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगट को तीन बार लिखिए, तीन बार आपने हेटोजाइगोट को लिखा, फिर स्मॉल ए को तीन बार लिखिए, ये आप वर्टिकल लेके गए, ए को वर्टिकल लेके गए. अब हम लेके चलेंगे कैपिटल बी को, बी को हॉरिजॉन्टल. एक पहले कैपिटल बी हॉरिजॉन्टल लिखिए तीन बार, तीनों बार क्या करिए कैपिटल बी हॉरिजॉन्टल लिखिए. अब हेट्रोजाइगोट को तीन बार लिखिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, अब स्मॉल बी को तीन बार लिख दीजिए, बन गया, हो गया. यही है पूरा जीनोटाइप, दिस इज द होल जीनोटाइप. अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है, कि नॉर्मल जो ट्रिक्स होते हैं कि कैसे जीनोटिपिक कैरेक्टर को यूज़ करना है और फिनोटिपिक कैरेक्टर को यूज़ करना है. देखिएगा, अगर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा हो, कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू द कैपिटल ए स्मॉल ए, जब इनको करते हैं तो इससे कितने गैमिट बनेंगे, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, ये दो गैमिट बना, गैमेट जो बनेगा यही दो गैमेट बनेगा, और इससे जो दो गैमेट बनेगा एक कैपिटल ए और इससे बनेगा स्मॉल ए, ये भी गैमेट बना. एक बार ये इससे क्रॉस होगा क्या बनाएगा, कैपिटल ए, जब इससे क्रॉस होगा क्या बनाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये अगर इससे क्रॉस करता है तो क्या बनाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, इससे क्रॉस करेगा तो किस क्या बनाएगा, स्मॉल ए स्मॉल ए. तो इसकी प्रॉबिबिलिटी ये कितना आ रहा है, चार में से टोटल कितने आए, टोटल प्रोजेनी आई फोर, फोर में से ये बना
एक, ये हेट्रोजाइगोट कितना बना, दो, और ये होमोजाइगस कितना बना, वन बना। ये होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव वन बनते हैं, हेट्रोजाइगस टू बनता है। इसी को आपको यूज़ करना है, इसी को बस यूज़ करना है, नथिंग। देखिएगा कैसे यूज़ करेंगे, इसी तरीके से बी के लिए भी होगा, हेट्रोजाइगट दो बनेगा, होमोजाइगस वन बनेंगे, चाहे डोमिनेंट या रिसेसिव। देखिए कैसे अब आप यूज़ करेंगे इसको, ये देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ये होमोजाइगट है तो वन बनेगा, ये भी होमोजाइगट है तो वन बनेगा, क्रॉस करिए, क्रॉस करेंगे तो रेशियो क्या है, वन मल्टी, ये देखिए होमोजाइगस वन बनेगा, ये हेट्रोजाइगस टू बनेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, टू। ये होमोजाइगस वन, ये होमोजाइगस वन, दैट इज़ वन। ये देखिए हेट्रोजाइगस टू है, ये होमोजाइगस वन, दैट विल बी टू। ये हेट्रोजाइगस टू, ये भी हेट्रोजाइगस है बी का, ये फोर, ये भी वन है आपका, ये टू होगा, हेट्रोजाइगस टू, ये वन हो जाएगा, दैट विल बी टू। और इसके बाद ये देखिए वन, फिर ये होमोजाइगस वन, दैट विल बी वन, ये होमोजाइगस बी का हेट्रोजाइगस, दैट विल बी टू, ये होमोजाइगस वन, ये हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, दैट विल बी वन। क्या यही रेशियो अभी कुछ देर पहले बताया गया था, वन इज टू टू इज टू वन, टू इज टू फोर इज टू टू, वन इज टू टू इज टू वन, यही है आपका नॉर्मल जीनोटिपिक रेशियो। अब मैं बात कर रहा हूँ इसी के फिनोटिपिक रेशियो के बारे में। लेट्स सी द फिनोटिपिक रेशियो। चार बॉक्स रूल क्या है, पहला बॉक्स बनाइए इस तरीके से, पहला बॉक्स लीजिए, पहले दो कॉलम और दो आपके रोज, ये पहला बॉक्स। दूसरा बॉक्स अब जो बचा हुआ है इसको बना दीजिए, इसके नीचे दूसरा बॉक्स, ये दूसरा, और ये जो बॉक्स बचेगा वो तीसरा बॉक्स बनेगा, और ये रहा लास्ट में कोने में चौथा बॉक्स। दिस इज फर्स्ट, फर्स्ट बॉक्स, दिस इज सेकेंड बॉक्स जस्ट बिलो दिस, दिस इज थर्ड बॉक्स एंड दिस इज द फोर्थ बॉक्स। ये जो बॉक्स है ये देखिए, इसको ऐड करेंगे एक दो चार, चार आठ, ये कितना आ जाएगा नौ, ये आ जाएगा थ्री, ये आ जाएगा थ्री, ये आ जाएगा वन। यही है फिनोटिपिक रेशियो, ये जो चार बॉक्स रूल है यही फिनोटिपिक रेशियो है, नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन। अब इन्हीं बॉक्स को हम मॉडिफाई करेंगे, देखिए कि कैसे आपको करना है वेरियस डोमिनेंट या डुप्लीकेट या इन सब एपिस्टेसिस के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रेशियोज को कैसे याद करना है बाकी एपिस्टेसिस में, समझने की कोशिश करिएगा ये फिनोटिपिक रेशियो कैसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजिली मॉडिफाई करेंगे, देखिएगा क्या होगा कि नॉर्मल रेशियो आप यही पढ़ते हैं, नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन। अब क्या करना है डोमिनेंट एपिस्टेसिस के केस में, डोमिनेंट एपिस्टेसिस के केस में ये आपके नौ को एक बार थ्री के पास ले जाइए, नौ को थ्री के पास ले जाइए। डोमिनेंट एपिस्टेसिस के केस में डोमिनेंट को लेफ्ट टू राइट चलेगा और रिसेसिव राइट टू लेफ्ट चलेगा, रिसेसिव राइट टू लेफ्ट चलेगा और लेफ्ट टू राइट चलेगा, आर से रिसेसिव, R से राइट टू लेफ्ट, ठीक है, R से रिसेसिव, R से राइट टू लेफ्ट, ठीक है। देखिएगा कि इस तरीके से चलेंगे, डोमिनेंट में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, डोमिनेंट में 9 प्लस 3, इसको एक इधर करके जोड़ दीजिए, डोमिनेंट में क्या हो जाएगा 12 इज टू 3 इज टू 1। दिस इज द रेशियो ऑफ द डोमिनेंट एपिस्टेसिस। बहुत दिमाग पे जोर देने रटने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आपको यूज करना है। द सेकेंड वन इज द डोमिनेंट डुप्लीकेट डोमिनेंट, जैसे आपने एक बार अभी तक किया था इसी को एक बार डुप्लीकेट कर दीजिए, 9:3 पे किया तो 12:3:1, फिर से इसी को डुप्लीकेट किया तो 15:1, 12 से 3 जोड़ेंगे 15:1, दैट इज द डुप्लीकेट डोमिनेंट रेशियो। इसी तरीके से रिसेसिव में देखिए, मैंने रिसेसिव एपिस्टेसिस में बताया राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट एक बार मूव किया, दैट इज 9:3:4, ये हुआ 9:3:4, एक बार इधर लेके जाएंगे, वन को थ्री करेंगे फोर आ जाएगा 9:3:4। अब डुप्लीकेट में क्या करेंगे, फिर से प्रोसेस को डुप्लीकेट कर दीजिए, फोर को फिर से एक बार डुप्लीकेट करिए 9:7, दैट इज द डुप्लीकेट रिसेसिव। इसी तरीके से द फिफ्थ वन इज द डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव में क्या होता है, ये जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है इसमें ये रिसेसिव वाला पार्ट एक और जोड़ देते हैं। देखिएगा कि 9:3 में जब आप पहले जोड़ेंगे तो 12:3:1 था, इस वन को इन में जोड़ देंगे, दैट इज द 13:3 फॉर द डोमिनेंट एपिस्टेसिस। दिस इज द ट्रिक टू यूज द डोमिनेंट। आप कैसे रेशियो को याद कर सकते हैं, एक एक बार मूव करिए, एक बार मूव करिए ऐड करिए, दूसरी बार मूव करिए डुप्लीकेट, रिसेसिव में राइट टू लेफ्ट, डोमिनेंट में लेफ्ट टू राइट। होप कि गाइज आपको मजा आया होगा ये सीखने में, ठीक है। तो मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे नाम को सर्च करिए वीरेंद्र सिंह। सर्च करने के बाद आप क्या करिएगा, आपको प्रोफाइल मिलेगी, फ्री लेसन्स के फॉर्म में भी चीज़ें अवेलेबल हैं और आपके
प्लस पे भी लाइव पढ़ाता हूँ, सबसे ज़्यादा लाइव मिनट्स लेने वाला मैं एग्जीक्यूटिव हूँ CSIR कैटेगरी में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, सब्सक्राइब करिए। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज़ द रेफरल कोड, रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। दिस इज़ द रेफरल कोड टू सब्सक्राइब द अनअकैडमी प्लस। एंड वंस लास्ट थिंग, नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ, अपने आप से गिव अप ना करें, क्योंकि दैट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हमेशा मेहनत करते रहें और ट्रिक्स सीखते रहें मेरे साथ, स्मार्ट लर्निंग अकेडमी एंड अनअकैडमी पे। थैंक यू वेरी मच।